हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रिड्यूस फंक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है और इसको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते समय कैसे यूज़ कर सकते हैं। और बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बट उससे पहले मैं आईडी इंस्टॉल करना सिखाऊंगा जो कि पाइचार्म आईडी है। तो हम लोगों ने अभी तक, मैंने यहाँ पे 38 वीडियोज़ बना दिए सीरीज़ में। अभी तक आपने एक्सेस नहीं किया तो उसको एक बार एक्सेस कर लीजिए जाके। और मैंने जितने भी प्रैक्टिकल किए वो मैंने वीएस कोड पे किया है। बट अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मैं अब आईडी यूज़ करूँगा क्योंकि आगे मुझे प्रोजेक्ट वगैरह भी क्रिएट करना है। तो मैं पाइथन की जितनी भी आईडीज़ हैं वो बारी बारी से यूज़ करूँगा। और सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा, अभी तक हम लोग वीएस कोड यूज़ कर रहे थे, हालांकि वो बहुत अच्छा एडिटर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आईडी है, उस पर प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोज़ में यूज़ कर लिया, अब मैं हम यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं पाइचार्म आईडी जो कि जेटब्रेन्स की है। तो इस वीडियो में हम लोग, मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा पाइचार्म को कैसे डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा रिड्यूस फंक्शन क्या होता है उसी पाइचार्म आईडी पे, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद कैसे हम लोग ये रिड्यूस फंक्शन का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और हम लोग चलते हैं और डाउनलोड करते हैं पाइचार्म आईडी। तो हम ओपन करेंगे अपना फेवरेट ब्राउज़र, मेरा, मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ फायरफॉक्स, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। और सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पाइचार्म डाउनलोड, ठीक है। और सर सबसे पहली वेबसाइट होगी, आप उसको ओपन कर लेंगे, jetbrains.com, ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये जो वेबसाइट है ये पाइचार्म की ऑफिशियल वेबसाइट है, जेटब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल वर्जन, दूसरा ऑप्शन है कम्युनिटी वर्जन। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि अभी आपको डाउनलोड करना है कम्युनिटी वर्जन। क्यों कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, क्योंकि कम्युनिटी वर्जन फ्री है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसको आप यूज़ कर सकते हो फ्रीली। बट इट इज़ नॉट फ्री, ये आपको फ्री ट्रायल मिलेगा सिर्फ एक महीने के लिए फॉर बोथ साइंटिफिक एंड वेब पाइथन। अब आपको देखना है क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है क्या चीज़ें नहीं है, ये सब जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हो सब कुछ। बट फिलहाल अगर आपको, जैसे ये जो पेड प्रोफेशनल वर्जन है, ये पेड वर्जन है, ये कंपनी वगैरह के लिए होता है, एंटरप्राइज के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो मतलब ज़्यादा काम के लिए करता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो कम्युनिटी वर्जन इज़ इनफ, आप इसको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग। और सिंपली आपको सेव करना है, जैसे सेव करोगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। जैसे आप सेव करोगे तो देखो डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो गया, बट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी देखो करके रखा हूँ डाउनलोड। सिंपली मैं इसको ओपन कर लूँगा और ये रहा मेरा पाइचार्म 2019.33। और सिंपली मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर दूंगा और इसको परमिशन दे दूंगा, तुम्हारा पाइचार्म इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ और ये विंडो ओपन होगी आपके पास, वेलकम टू पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन। और सिंपली आपको नेक्स्ट करना है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि किस फोल्डर में इंस्टॉल होगा, डेस्टिनेशन फोल्डर बता रहा है, सिंपली आप इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए। और आपको ये लॉन्चर वगैरह बता रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट या 64-bit का मैं लॉन्चर का डेस्कटॉप शॉर्टकट बना दूंगा। उसके बाद ये और भी चीज़ें बता रहा है, देखिए ये कह रहा है अपडेट वेरिएबल पाथ रिस्टार्ट नीडेड, अगर आपको अपडेट करना है वेरिएबल पाथ तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ये देखिए आ रहा है अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेनू ऐड ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट, इस पर टिक कर दीजिए क्योंकि आप फोल्डर को डायरेक्ट ओपन कर पाओगे। और इसको भी चेक कर दीजिए, अब आप सिंपली नेक्स्ट कर दीजिए और सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और वेट करिए जब तक ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो आराम से आप कॉफ़ी वगैरह पीजिए, आसपास कहीं आस पड़ोस कोई दुकान है तो वहाँ पे जाइए कॉफ़ी वगैरह पिए, तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। ये पूरा टोटली डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपके सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रैम है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स है, या प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, SSD वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो ये फटाक से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो सिंपली सेटअप हमारा फिनिश हो गया, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है रन पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन, तो आप इस पर क्लिक करके फिनिश कर दोगे तो पाइचार्म रन हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद क्या करेगा, ये आपका रन कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इंपोर्ट पाइचार्म सेटिंग्स फ्रॉम, देखिए प्रीवियस वर्जन से सेटिंग को इम्पोर्ट करने के लिए बोल रहा है। बट अगर आपके सिस्टम पे कोई भी पहले से वर्जन इंस्टॉल नहीं था तो आप डू नॉट इम्पोर्ट पे क्लिक कर दोगे,
मेरे पे ऑलरेडी इंपोर्ट था तो मैं प्रीवियस वर्जन से सेटिंग को इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं प्रीवियस वर्जन पे क्लिक कर दूंगा क्योंकि मैं पिछले वर्जन पे जो काम कर रहा था मैं एग्जैक्ट वैसी ही सेटिंग चाहता हूँ, तो सिंपली मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। और पाइचा में थोड़ा सा टाइम लेगा सिंपली, और टाइम लेने के बाद आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट, आपका पाई चार्म कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। बट क्योंकि मैंने सेटिंग्स को ओपन कर लिया है पिछले वाले प्रोजेक्ट से, पिछले वाले पाई चार्म से मैंने सेटिंग को इंपोर्ट कर लिया था, तो ये सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। आपको सिंपली कैसा मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको, ठीक है? आपको ये मिलेगा। तो सिंपली आपको देखिए, अगर आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ओपन प्रोजेक्ट कर ओपन कर लीजिए, ओपन भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ और प्रोजेक्ट को देखिए ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाना है, तो मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। देखिए मैं ब्राउज करूंगा और ब्राउज करने के बाद मैं चलूंगा डेस्कटॉप पे, तो सी ड्राइव, विंडोज, सॉरी यूजर्स, यूजर्स में अपने यूजर में जाऊंगा और डेस्कटॉप पे जाऊंगा जहां मैं अपने सारे पाइथन के प्रोग्राम को सेव करता हूं। तो सिंपली डेस्कटॉप पे जाऊंगा और डेस्कटॉप पे एक देखिए वाई पाइथन है, यूट्यूब पाइथन है, मैं इसमें एक नया फोल्डर बनाऊंगा, तो इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे एक प्लस वाली बटन है इस पर क्लिक करूंगा और इसका नाम दे दूंगा पाई चाम और ओके कर दूंगा और मैं इसी को सेलेक्ट कर लूंगा, फिर ओके कर दूंगा। और फिर देखिए ये पूछ रहा है इंटरप्रेटर क्या चूज करना चाह रहे हो, तो इंटरप्रेटर देखिए मैं नया एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करूंगा, मैं एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर को चूज कर लूंगा, एग्जिस्टिंग हमारा जो सिस्टम का इंटरप्रेटर है वही चूज हो जाएगा। और सिंपली अगर आपको नया एनवायरनमेंट बनाना है तो आप इसको क्लिक कर दोगे न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो ये नया वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट हो जाएगा। बट अभी मेरी रिकमेंडेशन मानिए तो आप एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर को चूज कर लीजिए और सिंपली क्रिएट कर लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं दिखाएगा तो आप इसको क्लिक करके आप इंटरप्रेटर का पाथ भी बता सकते हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है इंस्टॉलेशन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। फिर आप सिंपली को क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट करें, जब आप क्रिएट कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रोजेक्ट को सिंपली देखिए क्रिएट कर देगा। तो मैं सिंपली चलता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, फिर उसको टेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको रिड्यूस फंक्शन समझाता हूँ। तो सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा और राइट क्लिक करूंगा, इस पर न्यू पे चलूंगा और एक पाइथन के सिंपली फाइल बना लूंगा जिसका नाम दे दूंगा रिड्यूस रेड्यूज अंडर स्कोर एग्जाम्पल, रेड्यूज अंडर स्कोर एग्जाम्पल। तो आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल बन चुकी है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, फाइल बन चुकी है और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ और प्रिंट कर दूंगा रेड्यूज एग्जाम्पल, ठीक है? तो तब तक यहाँ पे जो ये अपडेट वगैरह हो रहा है ये होने देते हैं और हम अपने इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। तो मैं चलूँगा सिंपली फाइल पे चलूँगा और सेटिंग्स पे चलूँगा और सेटिंग पे यहाँ पे देखो ये जो फॉन्ट है, ये जो यूज़ कस्टम फॉन्ट है, ये इसका फॉन्ट है, ये सारी फाइल डायलॉग वगैरह का फॉन्ट है। तो सिंपली ये 13 है, इसको मैं 15 कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा विजिबल हो जाए और अप्लाई कर दूंगा। तो आप देखोगे इसका फॉन्ट हल्का सा बड़ा हो गया, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसका भी फॉन्ट घटा बढ़ा सकते हैं। ये कैसे घटा बढ़ा रहा है, मैं कंट्रोल और व्हील से घटा बढ़ा रहा हूँ, कंट्रोल व्हील। तो अगर ये आपके में नहीं हो रहा तो आप इस सेटिंग को ऑन करना पड़ता है, आप सेटिंग पे जाइए और सेटिंग पे एडिटर पे जाइए और एडिटर पे यहाँ पे जर्नल पे जाएंगे और आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल प्लस माउस व्हील, इस पर टिक कर दीजिएगा। जब आप टिक कर दोगे तो आप कंट्रोल दबा के व्हील को घुमाओगे तो आपका फॉन्ट घटेगा बढ़ेगा, ठीक है? तो आप ऐसा कर सकते हो अगर आपको फॉन्ट बढ़ाना। तो आप जब तक आप वेट करेंगे, जब तक ये स्केलेटन अपडेट वगैरह हो रहा है, जब तक ये स्कैन कर रहा है लाइब्रेरीज वगैरह का, अपडेटिंग पाइथन इंटरप्रेटर ये सारे काम कर रहा है, तब तक आप वेट करेंगे और वेट करेंगे, बीच में रन इसको नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैं आता हूँ, पहले ये अपडेट हो जाता है उसके बाद। तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है और यहाँ पे अब मैं कोई भी प्रोसेस नहीं देख पा रहा चल रहा हूँ। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, अपने इस कोड को रन कर सकता हूँ और रन करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रन रिड्यूस एग्जाम्पल और आप सिंपली इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट देखिए रन हो जाएगा और यहाँ पे आपका आउटपुट मिल जाएगा। या फिर सिंपली आप यहाँ पे एक ग्रीन बटन देख रहे हो, इस ग्रीन बटन पे भी क्लिक कर सकते हो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? अब हम समझते हैं रिड्यूस रिड्यूस काम कैसे करता है, रिड्यूस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिड्यूस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग मैप फंक्शन कॉल कर रहे थे, फिल्टर फंक्शन कॉल कर रहे थे, डायरेक्ट हम लोग मैप और फिल्टर डायरेक्ट कॉल कर रहे थे, बट रिड्यूस डायरेक्ट नहीं कॉल कर सकते। एक फंक फंक टूल्स नाम करके लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देन हम लोग कॉल कर पाएंगे। तो चलिए इंपोर्ट करते हैं, आपको लिखना है सिंपली इंपोर्ट फंक टूल,
ठीक है, आप देख पाओगे FUNCTOOLS, फंक टूल्स। ठीक है, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद अब इस लाइब्रेरी के पास हमारा हमारा ये वाला मेथड है। तो इस लाइब्रेरी के बाद हम लोग इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग अपने रिड्यूस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लाइब्रेरी लिखना पड़ेगा, फंक टूल्स डॉट रिड्यूस। ठीक है, ये लाइब्रेरी लिखना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल है, आप देखते जाइए। अब रिड्यूस फंक्शन को हमें दो चीज़ देनी है, दो चीज़ देनी है, क्या क्या? सबसे पहले एक दूसरा फंक्शन देना है, एक दूसरा फंक्शन देना है और एक सीक्वेंस देना है। तो चलिए दे देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि वो काम क्या करेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ, और इसका नाम देते हैं सम, और इसमें दो आर्गुमेंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम लोग, रिटर्न कर देते हैं एक्स प्लस वाई, एक फंक्शन बना देंगे। अब यही वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, तो हम सम यहाँ पे पास कर देते हैं, और बॉडी पास करनी कॉल नहीं करना है, तो सिंपली आप सम लिखेंगे और एक सीक्वेंस पास करेंगे, दैट मीन्स एक लिस्ट पास कर देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ माई लिस्ट, और इसमें कुछ मैं नंबर्स ले लेता हूँ, ले लेता हूँ 4, 2, 9, 2, ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अपने इसके साथ फंक्शन के साथ हम लोग पास कर देंगे माई लिस्ट, अपनी लिस्ट मतलब सीक्वेंस पास कर देंगे, दैट्स इट। अब ये एक एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, ध्यान से देखिए, ये इस लिस्ट माई लिस्ट मतलब इससे ये दो एलिमेंट को निकालेगा, तो ये 4 निकालेगा फिर 2 निकालेगा, और ये इस फंक्शन को कॉल कर लेगा सम, और ये दोनों एलिमेंट को पास कर देगा, 4 और 2 को पास कर देगा। दैट मीन्स सम के आर्गुमेंट में चले जाएंगे 4 और 2, तो एक्स में आ जाएगा 4 और वाई में आ जाएगा 2, तो एक्स मतलब 4 + 2 = 6, और 6 को रिटर्न कर देगा एज अ रिजल्ट। तो मैं रिजल्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी क्या करेगा, जो रिजल्ट आया है 6 उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सम को दे देगा, दैट मीन्स 6 और हमारा दो दो यहां पे का, दो का काम हो चुका, तो मतलब तीसरा, तो 6 को 9 के साथ पास कर देगा सम को, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 9, तो 6 + 9 = 15, 9, 6, 15, और 15 हमारा अब रिजल्ट आ जाएगा 15। अभी ये आउटपुट नहीं देगा, अभी ये फिर से जो रिजल्ट आएगा उसको कॉल करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मतलब 2 के साथ, मतलब फिर से सम को कॉल करेगा 15 और 2 के साथ, दैट मींस एक्स की वैल्यू 15 जाएगी और वाई की वैल्यू 2 जाएगी, तो 15 + 2 = 17 हमारा एक बार और आंसर आएगा हमारा 17, और 17 अब 17 के बाद यहां से देखिए 17, अब ये चारों वैल्यूज यहाँ पे चारों आइटम इस सीक्वेंस के प्रोसेस हो चुके हैं, दैट मींस इसने 42 को सबसे पहले बार पास किया था, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट था वो 9 के साथ पास किया, फिर इन तीनों का जो रिजल्ट था उसको 2 के साथ पास किया, तो अब 17 के बाद कोई इसके पास है ही नहीं, दैट मींस अब नहीं पास करेगा। बट याद रखिएगा, अगर यहाँ सपोज 6 होता तो ये क्या करता, ये 17 को 6 के साथ सम को दे देता, तो 17 = 6 आ जाता, और 17 + 6 आंसर हमारा आ जाता, तो यहाँ पे 17 + 6 मतलब 23 आउटपुट आ जाता, और अगर आगे कोई और एलिमेंट होता तो जो आंसर आता 23 उसको भी क्या करता, ये नेक्स्ट एलिमेंट के साथ पास कर देता। तो इस तरह चैन टाइप का काम करेगा, और लास्ट में जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो लास्ट में हम होगा आंसर दे देगा, तो हम उसको किसी वेरिएबल में रख लेंगे, और फिर बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे ये रिटर्न करेगा रिड्यूस वाला फंक्शन, तो हम लोग इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं अपने ए एन एस को सिंपली। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, अभी पता चल जाएगा, इस फाइल को रन करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, तो राइट क्लिक करेंगे और सिंपली रन कर देंगे, तो आप देखो पाओ 23 आया, जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था एग्जैक्टली वैसे ही काम होगा। इस तरीके से हमारा रिड्यूस फंक्शन काम करेगा, क्या करेगा, पहले दो आर्गुमेंट उठाएगा एक्स वाई और इस सम पे कॉल कर देगा, दो आर्गुमेंट मतलब पहले अपने सीक्वेंस का दो आर्गुमेंट, इस लिस्ट का दो आर्गुमेंट 4 और 2 सम को दे देगा, फिर जो इस 4 2 का रिजल्ट होगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सम को दे देगा, फिर उसका जो रिजल्ट होगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सम को दे देगा, उसका जो रिजल्ट होगा उसको नेक्स्ट एलिमेंट के साथ सम को दे देगा, और फंक्शन कॉल होता जाएगा। इस तरीके से हम यूज करते हैं रिड्यूस फंक्शन। अब सपोज इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, तो मैं सबको कमेंट कर देता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं, और एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, और इस फंक्शन को भी कमेंट कर देता हूं। इस फंक्शन का जो कोड होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जाके एक्सेस कर लीजिए। हमारे पास सिंपली एक लिस्ट है, इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूं, लिस्ट को माई लिस्ट को प्रिंट कर देता हूं, और राइट क्लिक करके इसको रन करता हूं, आप देख पाओगे हमारे लिस्ट में क्या प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लिस्ट में प्रिंट हो रहा है, परफेक्ट। अब हम चाहते हैं इस लिस्ट से हमें मिनिमम प्रिंट करने हैं, मतलब मिनिमम वाला आइटम प्रिंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लूप चला के एक एक वैल्यू निकाल के चेक करके प्रिंट कर सकते हो, बट इस काम को हम लोग रिड्यूस फंक्शन से कर सकते हैं। देखिएगा,
मैं क्या करूंगा, मिनिमम के लिए एक वेरिएबल ले लूंगा और मैं कॉल करूंगा फंक टूल्स डॉट रेड्यूस, और मैं एक फंक्शन पास करूंगा। तो मेरे पास कोई फंक्शन है ही नहीं, तो मैं एक लैम्डा की हेल्प से फंक्शन बना लूंगा और इस फंक्शन को चेक करना है। पहले दो आर्गुमेंट लेना है, तो मैं ले लूंगा एक्स कॉमा वाई, और इस फंक्शन को चेक करना है कि एक्स और वाई में मिनिमम छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो हम रिटर्न करेंगे एक्स अगर एक्स छोटा होगा वाई से, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वाई को रिटर्न करेंगे, दैट मीन्स वाई छोटा होगा। ठीक है, तो देखेंगे, हम लिखेंगे एक्स, लिखेंगे इफ एक्स इज लेस देन वाई, और एल्स में हम लोग लिख देंगे वाई। तो इसका मतलब देखिए ध्यान से क्या है, ये फंक्शन एक्स को रिटर्न करेगा अगर एक्स छोटा होगा वाई से, अदरवाइज वाई को रिटर्न करेगा। दैट मीन्स अगर एक्स छोटा नहीं, तो ऑब्वियस बात वाई छोटा है तो वाई रिटर्न हो जाएगा, और साथ ही साथ में अपनी लिस्ट को मैं यहाँ पास कर दूंगा। दैट्स इट, अब मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ मेन। ठीक है, मेन प्रिंट हो जाएगा। राइट क्लिक करिए और सिंपली रन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टू इसमें से सबसे मिनिमम है। इसी तरह मैक्सिमम आप प्रिंट कर सकते हो, एक वेरिएबल मैक्स लीजिए और फंक टूल्स डॉट डॉट रिड्यूस कॉल करिए। रिड्यूस में सिंपली आप लैम्डा, लैम्डा में फिर से दो आर्गुमेंट लेने हैं, तो एक्स वाई ले सकते हो या ए बी भी ले सकते हो, और इफ ए सॉरी ए रिटर्न करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स हमें बी रिटर्न करना है, और अपने लिस्ट सिंपली पास कर दिए। फिर जो मैक्सिमम का आउटपुट आया वो सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट कर दीजिए। दैट्स इट, अब आप रन करिए तो आपका मैक्सिमम वाला आउटपुट देखिए 9, मैक्सिमम 9 है और मिनिमम 2 है। परफेक्ट, तो इस तरीके से हम रिड्यूस फंक्शन यूज करते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि मैं मिनिमम फंक्शन है, ऑब्वियस ही बात है, मिनिमम मिनिमम का एक ऑलरेडी फंक्शन है, उससे भी आप मिनिमम निकाल सकते हो, बट यहाँ पे मैंने रिड्यूस फंक्शन किया है। तो सिंपली आपने रिड्यूस फंक्शन देखा क्या होता है, इस एग्जांपल से दो इस दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा रिड्यूस फंक्शन क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है। प्रैक्टिकली ये चीज़ मैंने सिखा दी, और हम लोगों ने इस वीडियो में ये भी देखा कि कैसे हम लोग पाईचार्म आईडी को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद उसको हम लोग कॉन्फिगर करने के बाद एग्जीक्यूट, उस पर प्रोग्राम्स कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। तो हम लोग नेक्स्ट आने वाले सारे ट्यूटोरियल में इसी पाईचार्म आईडी को ही यूज करेंगे कोडिंग को समझने के लिए और पाइथन को समझने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो होपफुली अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।